हाय दोस्तों, सो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि IIS लाइट तो कैसे हम डाउनलोड करते हैं। जैसे कि हम लोग मैक्स में काम करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि हम लोग IIS लाइट पे जाते हैं तो ये देखिए IIS लाइट में गए, वीडियो में गए एंड IIS लाइट, तो हम लोग IIS लाइट कहीं पुट करते हैं। मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर एक IIS लाइट लगाते हैं, तो ये लाइट जो है दोस्तों इसमें देखिए फाइल नहीं है कोई भी, देखिए IIS लाइट फाइल मांग रहा है। तो ये फाइल को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हम लोग को गूगल से, तो आपको वो दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लाइंट लगा कर रखा हुआ है, जैसे IIS फाइल नंबर 14, तो 14 नंबर मैंने यूज़ किया है। जैसे कि ये होता IIS फाइल, ये सब फाइल्स है एंड ये इमेजेस है, आपको कौन सा लाइट चाहिए, किस तरीके से रेडिएशन आ रहा है, आप ऐसा चेक कर सकते हो। हम आपको दिखाते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलता है गूगल्स पे। तो हम चले जाएंगे गूगल में, यहाँ पे टाइप करेंगे वीरे IIS लाइट फ्री डाउनलोड, बस इतना करना है एंड इस पर जाके ये देखिए लाइट्स का सारा एक इमेज यहाँ पे रेडी है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पैसा दे सकते हो, डोनेट कर सकते हो, या फिर अगर पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप नीचे में यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही छोटा फाइल होता है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैसे क्रैक करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ 3ds Max में। तो पहले तो हम इसको लोकेशन जाने, कहाँ पर है ये लोकेशन, ये यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे सारा फाइल पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये देखिए IIS लाइट में जाएंगे एंड ये इसका डाउनलोड हुआ है, फिर 30 IIS लाइट। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके, मान लीजिए हम दोनों को इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं हुआ क्योंकि मेरा ये यूज़ हो चुका है, यहाँ पे इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ एक फोल्डर बनाता हूँ IIS का IIS एंड इसके बाद इसको इसमें ड्रैग करके आपको यहाँ से फ्रेशली दिखाता हूँ। तो आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से ये फोल्डर दिखेगा, जिप फाइल। इसके बाद इसमें जाकर राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हेयर, ये देखिए एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो हम लोग इसके अंदर में जाएंगे, ये देखिए एक इमेजेस, तीन इमेजेस आया यहाँ पे एंड एक प्रेजेंट, जिसको हम लोग लगेगा नहीं ये आपका MS वर्ड एक्स ये पावर पॉइंट में काम होता है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। नोटपैड में ये खुलेगा तो हम लोग इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम लोग काम जो आएगा ये तीन फाइल लगेगा एंड ये वेरी IIS प्रेजेंट। इसके अंदर में देखिए हमारा ये लाइट सारा आ चुका है, ये सब देखिए ये हमारा सब फाइल है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जाते हैं 3ds Max में, सबको डिलीट कर देते हैं, आपको फ्रेशली दिखाते हैं कि हम लोग कैसे इस जगह पर यूज़ करेंगे। तो सब बेसिकली यूज़ होता है, आपको दिखाते हैं IIS लाइट कहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है एंड ये क्या चीज़ है। एक इमेजेस है मेरे पास, ये देखिए ये जो लाइट है ये आपका लगेगा स्पॉट लाइट एंड इसमें हम लोग यूज़ किए वीरे मटेरियल ये लाइट्स में, बट आपको सिर्फ यही दिखेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ शेडो चाहिए तो उसके लिए आपको IIS लाइट कंपल्सरी लगाना, अदरवाइज ये शेप में कभी भी लाइट नहीं आएगा विदाउट IIS लाइट। तो हम लोग इसको इल्यूमिनेट करने के लिए हम लोग ये IIS लाइट लगाते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑलरेडी एक IIS लाइट का ऑब्जेक्ट रहता है लेकिन फाइल्स आपका नहीं मिलेगा इतने, जितना सारा जैसे मेरे पास 13 फाइल है तो आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फाइल नहीं रहता। यहाँ पे आपको दिखाता दोनों चीज़ करके, एक एक करके, तो आप समझ पाएंगे कि क्या हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल IIS लाइट लिए एंड इसको हम लोग ड्रैग करके लगाती है, जिस तरफ ये नॉट रहेगा लास्ट का एरो वो फोकस उस तरफ जाएगा।
मान लीजिए मैं इसको दीवार के ऊपर टच करा देता हूँ इस तरीके से, एंड इसमें थोड़ा सा नीचे, एंड ये दो कॉपी करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, इसको अगर शिफ्ट करेंगे तो नहीं होगा, आपको दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा, मतलब कि इसको सेलेक्ट करके एंड कंट्रोल दबा के इसको, देन शिफ्ट दबा के इसको, इसके बाद हम लोग करेंगे कॉपी। तो देखिए ये जस्ट एक नॉर्मल सा मैंने लाइट लिया है, IES लाइट इसके अंदर में नहीं है, ये जस्ट मैक्स का फाइल है, एंड मैं इसके अंदर में IES लाइट लूँगा, तो इसका जाएंगे नन में, एंड IES लाइट के मेरे पास इतना सारा फाइल्स आ गया, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लेता हूँ कोई भी 14 ले लेते हैं, तो ये विदाउट IES एंड ये IES लाइट, तो दोनों में क्या फ़र्क दिखाते हैं आपको, दोनों में क्या फ़र्क आता है, तो मैंने एक रेंजर करके दिखाता हूँ फटाक से, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखिए ये इसमें फाइल नहीं था IES लाइट, तो ये क्या हुआ कि जस्ट जहाँ पे ये शेप है, जहाँ पे हम स्पॉट लगाएं वहीं पे वो जल रहा है, वहीं पे देखिए वाइट कलर आया है, बट मैंने ये 14 नंबर जो लिया है वो आपका इस तरीके से लाइट फ्लो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लो आया है। जैसे कि यहाँ का इसका थोड़ा सा रोशनी कम है, तो हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा पावर बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ से पावर बढ़ जाता है, मान लीजिए ये इतना कर दिया, ये कलर है जैसे वाइट ना रखना चाहते हैं तो कुछ हल्का सा अलग कलर दे सकते हैं, ये देखिए अलग कलर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ एक और लाइट दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यूज़ किए हैं 14, तो मैं इस बार यूज़ करता हूँ 16, कुछ भी ले सकते हो आप, बेसिकली आप देखना पड़ेगा इमेज आपको किस टाइप का शेप में चाहिए, वो शेडो किस टाइप कैसे आना चाहिए, तो आप इमेज में देख के करोगे तो आप ज़्यादातर अच्छा समझ पाओगे। ये देखिए मैंने इस बार इस तरीके से लाइट लिया, बट ये बिल्कुल सेम वैसे वैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने IES लाइट फाइल लिया है वो अलग अलग टाइप का आ रहा है, ये देखिए लंबा सा शेडो आ रहा है। ये देख पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है एंड बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर ले लिए हैं, आप इसको अगर आप चाहे हो तो ये जो नॉड आ रहा है उसको आप हटा भी सकते हो, किस तरीके से इसमें एक ऑप्शन रहता है टारगेट, इसको अगर ऑफ कर देंगे तो ये लाइट फ्लो करेगा बट आपका हिसाब से नहीं, जहाँ तक वो रेडिएशन जाएगा उस जगह पे जाएगा, ये देखिए ये बड़ा लंबा सा तरफ से आ रहा है, अगर आप वो लगा देंगे तो अपना हिसाब से वो नॉट को फिक्स कर सकते हैं, ये अंतर है दोनों में। ये देखिए आप कोई और लाइट देख सकते हैं, जैसे मैंने इस बार 30 नंबर लाइट लिए हैं, एंड इसका नॉट हम टारगेट ऑन कर लेते हैं, एंड इसका टारगेट थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ही आया है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा इसको इतने ही रहने दीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए वाई फ्रेम कॉन एंड F9, इसमें हल्का रोशनी आया है, तो आप यहाँ से पावर, जैसे मैंने दिखाया अभी पावर बढ़ाने के लिए, आप वहाँ से पावर ले सकते हो या कलर चेंज कर सकते हो। एंड ये दोस्तों ये लाइट बहुत जगह यूज़ होता है, नॉट ओनली इंटीरियर में, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो एक्सटीरियर में, बैल्कनी में, हर एक जगह पे जहाँ पे ये लग सके। तो दोस्तों आई होप ये आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट हो अगर होता है इस फाइल में, अगर ये IES लाइट करने में तब मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड दोस्तों हमारा ऑनलाइन क्लासेस अभी ऑन चल रहा है, तो आप ज्वाइन ले सकते हो लॉकडाउन में, ताकि आप घर बैठे फिर आप कर सकते हो।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।